संजीव श्रीवास्तव। संजीव, मैं चाह रहा हूं प्रियंका गांधी से शुरू करिए। मैंने सही पूछा ना सुरेंद्र राजपूत से कि बड़ी मुश्किल घड़ी में प्रियंका गांधी संसद में आ रही है और अकेले क्या कर पाएंगी वो, संजीव आपके हिसाब से? देखिए, मुश्किल घड़ी किस तरह से है, अगर हम झारखंड का नतीजा देखें तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए ठीक है, लेकिन ये भी बात तय है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो झारखंड से किसी को भी कम ज्यादा नहीं आंकना चाहिए, ऊंचा नीचा या बड़ा छोटा, बट हरियाणा और खासकर महाराष्ट्र, उसने झारखंड के नतीजों को कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया है। वो बात नेपथ्य में चली गई है। सामने महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, राजनीतिक रूप से 48 सीट भेजने वाला और जो उसका एक फाइनेंशियल भौगोलिक महत्व है, तो उस दृष्टि से देखें तो अभी इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन इसी बीच नांदेड़ की लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती, उसकी वो 100 के पार 102 तक पहुंच गई, और 100 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पर जश्न मनाया जाए, लेकिन पिछले 10 साल के इतिहास को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में की। बट उसमें प्रियंका गांधी क्या इजाफा कर पाएंगी, क्योंकि जिस तरह का आक्रामक रवैया संसद में राहुल गांधी, क्या कह रहे हैं, ठीक है के शर्मा क्या कहना चाह रहे, सारी विधानसभा सीट, मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने 102 सीट कहा, यदि शायद मैं गलत नहीं हूं तो 102 सीट नहीं है, क्योंकि वायनाड जो है राहुल गांधी ने खाली की और नांदेड़ जो है, मैं यदि गलत नहीं तो कांग्रेस की के एमपी थे। मैं अभी चेक कर लेता हूं, मैं फैक्ट चेक कर लेता हूं। 102 कहां से संजीव जी का? नहीं, ठीक है, ओके, मैं अभी चेक कर लेता हूं। संजीव अपनी बात पूरी करिए, मैं भी चेक करके, हो सकता है नहीं, मैं उस पे करेक्ट होने के लिए रेडी हूँ, मुझे भी इतना पक्का नहीं मालूम कि किसने खाली, नहीं मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई बात नहीं है। लेकिन भाई लोकसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से कांग्रेस की पोजीशन अभी अच्छी है, लेकिन हरियाणा और खासकर महाराष्ट्र के बाद न सिर्फ कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन एक सेटबैक की मुद्रा में दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है। बीजेपी जो 240 का फिगर की वजह से बहुत पीछे दिख रही थी, विपक्ष को लग रहा था कि कहीं हम उनको शिकस्त भी दे सकते हैं आने वाले चुनावों में, अगले लोकसभा चुनाव में, वो बात फिलहाल ठिटक सी गई है, वो बात अभी रुक गई है। हम कोई इलेक्शंस को कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो एक परसेप्शन का गेम चलता है, उसका जो सोच चलता है, उसके हिसाब से बीजेपी ने करीब करीब 240 सीट्स पे जो पीछे दिख रहे थे वो सारा ग्राउंड रिगेन कर लिया है, तो वो उनके लिए बड़ा डेवलपमेंट है और कांग्रेस और इंडिया के लिए एक डेफिनेट सेटबैक है। और उसके कारण मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के आने से या किसी के भी आने से वो कारण चेंज हो जाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का आइडियोलॉजिकली नैरेटिव उनके हिसाब से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन अब संविधान खतरे में है, मुद्दा लोकसभा में चला, लोगों को लगा आरक्षण कहीं समाप्त नहीं हो जाए, अब वो मुद्दा फिलहाल नहीं चला महाराष्ट्र में, न हरियाणा में चला कि आरक्षण खतरे में या संविधान खतरे में, क्योंकि जो बाकी जो बातें हैं ना उसकी, कि एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो संविधान पे एक अटैक है, वो बात सही है, लेकिन वो एक खास किस्म के तबके को ही समझ में आती है और अपील करती है, और वो शायद ऑलरेडी कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का वोटर है, जो फेंस सिटर और बीजेपी वाला उसकी वजह से मूव नहीं होता। उसी तरह से मुझे लगता है जातीय जनगणना का मुद्दा भी जितना शायद कांग्रेस की नेतृत्व सोचता है कि एक भारी भरकम मुद्दा है, और उनकी मजबूरी भी है कि जब बीजेपी धर्म का कार्ड खेलती है हर बात पे, हिंदुत्व का कार्ड, धर्म का कार्ड, तो वो जाति से ही उसका मुकाबला करने की सोचते हैं, लेकिन वो जातीय जनगणना इस समय चल नहीं रहा लोगों के जनमानस में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरक्षण खतरे में है, उससे जुड़ गया था। तो ये दोनों चीजें पे जो सेटबैक हुआ है उसका एक नया नैरेटिव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ढूंढना पड़ेगा। और ये भी सच बात है, और ये मैं राफेल के दिनों में भी कहता था, कि अडानी पे लगातार अटैक करना कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि पे आप चिप अवे तो करते हो, नुकसान तो पहुंचाते हो, और बात भी सही हो सकती है बिल्कुल अटैक की, लेकिन ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो वोटर की लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील नहीं करता, ये मुद्दा वोट्स में तब्दील नहीं होता। तो कांग्रेस को ऐसे मुद्दे ढूंढने हैं, ऐसे मुद्दों को सेंटर स्टेज पे लाना है, जिससे कि वो
आम जनमानस और वोट को जैसे उन्होंने लोकसभा में मोबिलाइज किया और गैल्वनाइज किया, वो क्यों नहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में कर पा रहे? वो एक स्ट्रैटेजी नए सिरे से वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है और एक नए ढंग से सोच की जरूरत है, क्योंकि ये तो 24 घंटे सोचने वाली पार्टी है इलेक्शन के बारे में। और अब आप उसी कदम ताल, उसी पेस से, उसी रफ्तार से, उतने ही निम्बल फुटेड, क्विक फुटेड होके अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी नीति, रणनीति नहीं बदलेंगे तो बीजेपी के एक जो चुनावी जगरनॉट है। और एक जो दूसरी बात हुई है बड़ी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट इन विधानसभा इलेक्शंस में, कि बहुत लोगों का ये मानना था कि मोदी जी ने जिस तरह से सेंट्रलाइज कर लिया है पावर, उससे मोदी जी को फायदा हो रहा है, बीजेपी को फिलहाल फायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन, मीडियम रन में बीजेपी बहुत उसका खामियाजा उठाएगी, क्योंकि मोदी जी के साथ साथ ही जब भी वो 5 साल 10 साल बाद एक्टिव राजनीति से विदा लेते हैं तो उसका नुकसान बीजेपी को जबरदस्त होगा और बीजेपी निपट जाएगी। ठीक है, अब क्या है, आप देखिए हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी एक सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप जो खड़ी हो रही है वो आने वाले दिनों के लिए भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। तो ये सब चीजें अप्रिशिएट करके उसके अकॉर्डिंगली रणनीति बनाएंगे तो चलेगी। ठीक है।